खुशखबरी, लेकिन सभी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ नन्हे मुन्ने बाल गोपाल छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं उनके लिए। दोस्तों, देश के कई राज्यों में 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया। जी हाँ, इस चीज को वही बच्चे फील कर सकते हैं जब हम छोटी क्लास में थे दोस्तों, और सर्दी की छुट्टियां अगर 3 दिन भी बढ़ जाती थी तो कितनी गजब की खुशी मिलती थी ना। यस, छुट्टियों का जो एंजॉय होता है वो गजब ही होता है यार। रियली स्कूल लाइफ के दिनों को याद करके देखिएगा आप। तो दरअसल अपन यहाँ पर बात करने वाले दोस्तों मौसम समाचार के तहत, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन किन राज्यों के लिए कड़ाके की ठंड की चेतावनी निकल कर आ रही है, और कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश पड़ने की भी चेतावनी आ रही है। और इसके अलावा सर्दी में जो ओले गिरते हैं, गड़े पड़ने वाली मावठ वर्षा की भी चेतावनी निकल कर आ रही है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो चेतावनी और रेड अलर्ट जारी किया गया वो आज का ताजा मौसम समाचार के तहत हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा इसी सर्दी और कड़ाके की ठंड के बढ़ने के चलते देश के अंदर कई जगहों पर 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां कर दी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजो, एब्सेंट लग जाए उसकी। इसलिए ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आखिर कहां कहां कितनी तारीख तक किन किन जगहों पर छुट्टियां हैं, और इसके अलावा मौसम विभाग की क्या चेतावनी आ रही है। तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों, पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर चल रहा है। मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए स्पेशली रेड वार्निंग जारी की है। रेड वार्निंग का मतलब ये होता है दोस्तों लाल चेतावनी बोले तो और भी ज्यादा अलर्ट है। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में चल रहा है, स्कूल बंद है, रेल यातायात भी प्रभावित चल रहा है, और काफी कोहरा छा रहा है आजकल, आपको पता होगा कई जगहों पर। तो ऐसे में दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान भी उत्तर भारत में अनेक जगहों पर शीतलहर चलने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा रहने की भी संभावना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली सहित उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर से मामूली राहत के कुछ जगहों पर आसार नजर आ रहे हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में नए साल का आगाज बारिश और ओलावृष्टि के साथ में रहने की भी संभावना आ रही है। नए साल की शुरुआत में यानी कि 1-2 जनवरी में ही बारिश हो सकती है। अब ऐसे में दोस्तों मौसम विभाग के पूर्वानुमान की अगर अपन बात करें तो आप देख पा रहे उत्तर भारत में लगी वेदर इमरजेंसी अब खत्म होने वाली है, लेकिन कम से कम 24 घंटों का इंतजार आपको और करना पड़ेगा। अगले 24 घंटों तक तो ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान में हल्की वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन 30 दिसंबर की दोपहर तक उत्तर पश्चिम ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसके कारण उत्तर भारत में शीतलहर जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। ये तो अभी हम आपको कुछ मौसम के हाल बता रहे हैं, उसके बाद स्कूलों में कहां कहां कब कब कितनी छुट्टियां रहने वाली हैं वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बीच में वीडियो को बंद बिल्कुल भी मत करना, वरना आप आधे अधूरी जानकारी पूरी समझ नहीं पाओगे, है ना। और इसी बीच आपको बता दें, दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन गया, और इसके चलते राजस्थान में हवा का पैटर्न बदल जाएगा, इससे राजस्थान के शहरों में शीतलहर से राहत मिल सकती है। वहीं बात करें दोस्तों, उधर जम्मू कश्मीर के पास एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र पहुंच गया, और यही सिस्टम समूचे उत्तर भारत में मौसम को बदलने वाला है। मध्य भारत में भी उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के शहरों में शीतलहर अगले 48 घंटों तक जारी रहेगी। और इसके अलावा भी दक्षिण पूर्वी गुजरात पर बना चक्रवाती सिस्टम गुजरात के अमरेली, वेरावल, पोरबंदर वगैरह वगैरह इलाकों में हल्की बारिश भी दे सकता है। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश होने की संभावना है। वहीं मुंबई, पुणे, भोपाल, इंदौर, नागपुर में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन यहां हम आपको पहले से आगाह कर दें दोस्तों कि 2-3 जनवरी के बीच अच्छी बारिश हो सकती है उत्तर भारत के कई इलाकों में। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई शहरों में घना कोहरा छा सकता है, हालांकि दक्षिण में अब मानसून विदा हो जाएगा, इस तरह की खबरें आ रही है। अब निरंतर उत्तरी पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी से हवाएं नहीं चलेगी, इन हवाओं के कारण चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद सहित तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है अगले नेक्स्ट 1 सप्ताह के अंदर अंदर। चेन्नई में हल्की बारिश की संभावना के साथ थोड़ा गर्म मौसम का अनुभव रहेगा। तो ये तो रहे मौसम के भविष्यवाणी, कुछ मौसम के हालात, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले दोस्तों कि 15 जनवरी तक स्कूलों में किन किन राज्यों में छुट्टियां रहने वाली है। तो ये जो अलर्ट आ रहा 15 जनवरी को लेकर दोस्तों, वो सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए है। भीषण शीतलहर चल रही है और इसलिए हरियाणा राज्य सरकार ने फैसला लिया कि 15 जनवरी 2019 तक सभी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां रहेगी। 30-31 तक तो ठंड के कारण ऑलरेडी छुट्टियां कर रखी है, और उसके बाद 1 से लेकर 15 जनवरी 2020 तक हर साल के भांति शीतकालीन अवकाश रहेगा। स्कूली कक्षाएं नहीं चलेगी। 15 के बाद 16 जनवरी से वापस यथावत तरीके से स्कूल खुल जाएंगे, सिर्फ हरियाणा राज्य की बात करें, ठीक है। अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं तो आपके लोकल स्कूल प्रशासन ने जो भी फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों हरियाणा में 15 तक छुट्टियां, 16 से वापस यथावत स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मौसम समाचार के तहत आज के वेदर न्यूज अलर्ट अपडेट आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।